देश में बढ़ता कोरोना वायरस अब भारतीय सेना तक पहुंच गया है। लद्दाख में तैनात एक सैनिक को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। ये सेना का पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पाया गया है। दरअसल सैनिक के पिता कुछ दिनों पहले ईरान से तीर्थ यात्रा कर लौटे थे। इस दौरान छुट्टी पर घर गया सैनिक पिता के संपर्क में आ गया और संक्रमित हो गया। इस मामले में पहले पिता कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए और फिर सैनिक बेटा भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। एक दिन पहले टेस्ट के नतीजे आने के बाद उसे अस्पताल में आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीमार सैनिक की पत्नी, बहन और दूसरे रिश्तेदारों को भी क्वारंटीन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सेना अपने रैंक्स को भी इस खतरे के बारे में लगातार आगाह कर रही है। इस कड़ी में सेना की उत्तरी कमान से लेकर पूर्वी कमान तक सभी इलाकों में जागरूक करने के लिए भी विशेष संचार अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क।